हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले अपन ये जानने चाहते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को ये समझना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले समझ लो, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों क्या होते हैं, पहले दोनों को अपन को समझना होगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं परिमेय संख्या, बेसिक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या अपन लेते हैं, मान लो कि जैसे कि 5 लेते हैं, है ना। अब 5 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5/1 लिख सकते हैं, है ना। जैसे अपन 10 लेते हैं तो 10/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10/2 लिख सकते हैं, यानी इसको काट सकते हैं। 2 × 2 = 10, यानी कि 5/1, है ना। जैसे अपन 6 लिया तो 6/1, है ना। 2 लिया तो 2/1, ये क्या है? परिमेय संख्या है। इन संख्याओं को क्या लिख सकते हैं अपन? P/Q के रूप में, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जहां क्यू मतलब ये क्यू है, इसका जो हर है ये क्यू, ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे अपन 1/0 लेते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 = 0 के कई टुकड़े होंगे, है ना। इस 0 के 1 = बहुत सारे टुकड़े होंगे, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला अपन देखते हैं, जैसे कि 10/3, तो 10/3 में क्या करेंगे? 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 × 9, फिर 1 = 0, फिर 3 × 9, 3 × 9, ऐसे 3 3 बार आते रहेंगे। तो इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं? 3.3 बार के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो 10/3 भी क्या एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। अगर अपन 20/6 लिख सकते हैं तो क्या होगा? देखो 6 × 3 = 18, है ना। 2 = 0, फिर 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, यानी एक संख्या बार बार आती है तो वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होती है, यानी 3.3 का 12 लग जाता है। तो इन सबको क्या बोलते हैं अपन? परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब एक अपरिमेय संख्या क्या होती है वो देखते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका मान क्या होता है? देखिए, अपरिमेय संख्या को समझने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो, अपरिमेय संख्या जैसे कि अपरिमेय संख्या, जैसे अपन पाई को ले लेते हैं, पाई का मान क्या होता है? 1.34, है ना। यह इसका मान क्या होता है? 22/7 होता है, है ना। तो 22 में अगर अपन 7 का भाग लगाएं तो 7 × 3 = 21, कितना बचा? 1 बचा। 0.07 × 7, कितना बचा? 3 बचा। 0.7 × 28, कितने बचे? 2 बचे। 0.7 × 2 = 14, कितना बचा? 6। 0.78 = 56, है ना। अब आपको यहाँ क्या देख रहे हो आप? और फिर 0.56 = 4, 7×5 = 35, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या एक क्रम से नहीं आ रही है। जैसे पहले आई थी ना अपनी कि 3.3333 ऐसे आई थी,
यहाँ पे ऐसे नहीं आ रही, यहाँ पहले एक आया, फिर चार आया, फिर दो आया, आठ आया, पांच आया, है ना, अलग अलग आ रहे हैं, एक जैसे क्रम में नहीं आ रहे हैं, इसलिए यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट एक का मान अगर निकालेंगे तो एक ही होगा, जैसे रूट एक का मान कर निकाले तो क्या होगा, एक की घात एक बटा दो हो जाएगी, उसका मान भी क्या होगा, एक ही होगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह रूट तीन भी क्या हो, ये ना तीन का वर्गमूल, रूट का मतलब क्या होता है इसका, वर्गमूल। अगर तीन का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो दशमलव में कहां जाएगा मालूम आपको, ये भी इसका मान दशमलव में निकलता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अगर रूट चार की अगर बात करें तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखो चार को कैसे लिख सकते हैं, हम दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर रूट की बात करें तो एक बटा दो लिख सकते हैं, दो से दो कट गया तो बराबर कितना बचा, दो बचा, तो दो क्या है, परिमेय संख्या होगी। परिमेय यानी रूट चार क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यानी कोई भी संख्या अगर रूट पांच अगर लेंगे तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट पांच क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला देखो, अगर अपन 50 ले लेते हैं, कितना ले लेते, 50 रूट 50, तो रूट 50 का क्या होगा, 25 इंटू दो, ठीक है ना, 25 दूनी 50 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5, और दो रूट में रह जाता है, तो 5 रूट दो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी कोई भी संख्या जिसका अगर वर्गमूल निकल जाता है, यहां पे जैसे 5 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और 4 का अगर वर्गमूल निकलता है, पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आइए अपन सवाल पे बात करते हैं। पहला सवाल अपना था सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट पांच की बात करेंगे, रूट पांच, ठीक है, अब रूट पांच के बराबर अपन मान लो कि ये पी बटा क्यू है ना, माना पी बटा क्यू एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, अगर अपन दोनों का अगर स्क्वायर करें तो पांच का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, केवल पांच ही होगा, और यहां पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर से अगर क्यू का स्क्वायर यहां कर दे और पांच का यहां कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा पांच, पी स्क्वायर बटा पांच। ठीक है, अगर P के बराबर अगर मैं 125 लिख दूं, P बराबर अगर 25 लिख दूं तो क्या होगा, P का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 25 625 होगा कि नहीं होगा, और अगर यहां 625 P स्क्वायर की जगह अगर 625 लिख दूं बटा 5 लिख दूं तो 5 का भाग गया, 5 कम 5, 5 2 10, 5 5 25 बराबर 125 आ गया, कितना है 125। ठीक है, इस तरह से यहां पे भी इसको 125 है, और अगर इसको हल करें तो भी क्यू स्क्वायर का मान भी क्या होगा, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा पांच, यानी पांच को इसको काटे तो 125 आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरह सिद्ध हो गया। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।